नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको यहां पे 22 बड़ी खबरें बताऊंगा जो कि जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ की शिक्षा से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इस खबरों में आपको आगे जो बताऊंगा उसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इस बार आपको खबरें मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलेगी, उसके बाद डीएलएड परीक्षा से संबंधित न्यूज़ मिलेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो 32 पेजों का आंसर शीट है उसको लेकर खबर मिलेगी, उसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी है। उसके साथ साथ एक शिक्षक की मैं आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो आपके दिल को छू जाएगी, और उसके बाद 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज है, उसके बाद CBSE 12वीं रिजल्ट को लेकर न्यूज है, स्टाफ नर्स की कौशल परीक्षा, डिप्लोमा इन टूल्स एंड डाई मेकिंग, दिव्यांग और मूक बधिरों के लिए स्कूल कॉलेज में कॉलेज को राष्ट्रीय ग्रीन पुरस्कार कौन से कॉलेज को मिला है ये आपको बताया जाएगा, स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर कहां कहां प्रदर्शन हुए ये न्यूज़ आपको मिलेगा, बालिकाओं को कहां पर साइकिल वितरित किया गया है, प्राचार्य को नोटिस भेजा गया है तो वो कौन से प्राचार्य है किस कॉलेज का ये आपको बताया जाएगा, स्टूडेंट को स्टार्टअप के लिए आर्थिक मदद कहां से कैसे मिलेगी ये बताया जाएगा, और स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रमाण पत्र जमा करने की लास्ट डेट कब है ये जो मुख्य खबरें आपको मिलेगी। उसके साथ और भी न्यूज है, तो मैं टोटल आपको 22 मुख्य खबरें बताऊँगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली खबर जो है वो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। तो वहाँ TCS पोर्टल को अप्रैल मई 2021 की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 17 जुलाई से 23 जुलाई तक एक बार फिर से खोला गया है। आप ये देखिए नोटिफिकेशन आया हुआ है, और अप्रैल मई 2021 के सेमेस्टर परीक्षा के लिए 27 जुलाई से ऑनलाइन शुरू होंगे ऑनलाइन मोड में, और इसके लिए टाइम टेबल जल्दी ही जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएगा, और आप यहाँ पे विषय देख सकते हैं। इसके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई से शुरू होंगे। तो यहाँ पर MCA MTech आपको स्क्रीन पर जितने भी यहाँ दिख रहे हैं ये सभी पाठ्यक्रमों के लिए सेमेस्टर एग्ज़ाम 27 जुलाई से शुरू होंगे, और उसके टाइम टेबल जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है महासमुंद से है। तो महासमुंद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कि महासमुंद इकाई ने जिला शिक्षा मंडल में आयोजित आगामी DLED परीक्षा के लिए नगर में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो कोरबा से है। तो कोरबा में कोरोना काल में सभी परीक्षाएँ ऑनलाइन हुई है, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने DLED परीक्षाओं का ऑफलाइन परीक्षा के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया, जिससे नाराज परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन परीक्षा लेने के संबंध में मांग करते हुए शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो धमतरी से आ रही है। तो धमतरी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शालेय शिक्षा संघ पदाधिकारी व सदस्यों ने कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा और गांवों में संचालित मोहल्ला क्लास को शीघ्र बंद करने की मांग की है, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वह है माल खरोदा से है। तो ब्लॉक मुख्यालय में संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं और 11वीं की अंक सूची में 2 दर्जन से अधिक अंग्रेजी शब्दों की त्रुटि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि वर्तमान में संचालित इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य KP भारती को भी दिखाई नहीं दी और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है और पूरा अंक सूची सभी छात्रों में बांट दिया। वही अंक सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया और फिर से सभी छात्रों को अंक सूची जमा करने के लिए कहा गया है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है अंबिकापुर से है। तो अजीत जोगी छात्र संगठन के संभागीय अध्यक्ष रजित मिश्रा द्वारा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के नियम अनुसार वार्षिक मुख्य परीक्षा में सिर्फ 32 पेज में उत्तर लिखने पड़ते हैं, इस कारण कई छात्र अपने संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं। तो रचित मिश्रा की मांग पर कुल सचिव ने 32 पेजों में ही उत्तर लिखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है सभी स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जिसके बाद अब से आगे के परीक्षा में स्टूडेंट अपने हिसाब से कितने भी पेज में उत्तर लिख सकेंगे। तो बहुत अच्छी खबर है ये। उसके बाद
जो दिल को छू लेने वाली बात है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर कुसमी का ये न्यूज़ है। तो कुसमी विकास खंड सामरी के समारी क्षेत्र के जमीरा पाठ संकुल के समन्वयक दिनेश कुमार यादव बुधवार को कई स्कूलों के मोहल्ला क्लास का संचालन देखने गए थे और एक स्कूल में मोहल्ला क्लास में बच्चों की उपस्थिति कम थी। बच्चों से पूछा गया तो पता चला कि गांव के एक स्थान पर अन्य स्कूली बच्चे गोटी खेल रहे हैं और फिर बाइक से उस स्थान पर दिनेश कुमार स्वयं पहुँच गए और उन्हें देखकर बच्चे भागने लगे। तब उन्हें संकुल समन्वयक ने समझाया, फिर बाइक में बिठाकर बच्चों को लाए। मोहल्ला क्लास में बैठने से पहले बच्चों को संकुल समन्वयक ने बोर के पास ले जाकर नहलाने के बाद ड्रेस पहनाया और इसके बाद किताब देकर रोज़ मोहल्ला क्लास में आने और अपने आसपास के साथियों को भी लाने के लिए कहा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर, मुझे पर्सनली ये खबर बहुत अच्छी लगी कि आजकल जो शिक्षक जो है इतने, मतलब इस प्रकार के भी शिक्षक है जो बच्चों के लिए इतने उनके मन में स्नेह भाव होता है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे खबर, इसीलिए मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। हालांकि ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन एक दिल को छू गई ये खबर मेरी, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि यह खबर आपको कैसी लगी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बैकुंठपुर का ये खबर है। तो एकलव्य संयुक्त आदर्श आवासीय विद्यालय पोड़ीडीह खड़गांव सोनहत एवं जमथान भरतपुर में कक्षा छठवीं में प्रवेश के लिए सिर्फ एक सेंटर, शासकीय माध्यमिक विद्यालय बैकुंठपुर में परीक्षा ली गई। परीक्षा खत्म होने के बाद स्कूल ग्राउंड में बाजार जैसा नज़ारा दिखा। हालांकि आदिवासी विभाग ने कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा गया था लेकिन यहाँ पर हुआ नहीं है। तो चलिए थोड़ी सी इससे खतरा हो सकता है, तो ध्यान रखना चाहिए कि सेंटर यहाँ पे बढ़ाने चाहिए थे। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो चंद्रपुर से है। तो चंद्रपुर में एकलव्य गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं की परीक्षा का परिणाम उत्कृष्ट रहा। हिंदी माध्यम में कुल 19 छात्र छात्राओं में से 4 छात्रा चांदनी पटेल, रश्मि पटेल, सैजल उरा, विशाखा पटेल ने 97% अंक अर्जित किए। 9 छात्राओं ने 95% से अधिक व शेष 6 छात्राओं ने 92% अंक प्राप्त कर परीक्षा परिणाम में 7% रहा। वहीं अंग्रेजी माध्यम में कुल 9 छात्र छात्राओं में से 4 छात्राओं ने 97% अंक हासिल किया, जिसमें अमन राठौड़, मुकुल पटेल, सिद्धि पटेल, यशवंत पटेल व शेष 5 छात्राओं ने 95% से अधिक अंक अर्जित किए। इस तरह अंग्रेजी माध्यम का भी परीक्षा 100% रहा। तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। तो ये है एकलव्य गुरुकुल हायर सेकेंडरी स्कूल का परीक्षा परिणाम। तो बहुत ही अच्छी परिणाम आया है। उसके बाद जो है अगली खबर जो है बिलासपुर से है। तो गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा परिसर में स्थित विभिन्न विद्यापीठों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक भवनों का नामकरण किया गया है, जो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो जैसे कि यहाँ पे नेम चेंज कर दिया गया है। तो नवीन बालक छात्रावास ए का नाम आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बालक छात्रावास, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पर नाम चेंज कर दिए गए हैं। तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या नाम यहाँ पे चेंज हुए। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो है CBSE के 12वीं के परिणामों को लेकर है। तो CBSE 12वीं के परिणामों की गणना के लिए शुक्रवार से पोर्टल खोला गया ताकि 10वीं 11वीं के अंकों का मॉड्यूलेशन कर सके। पोर्टल 22 जुलाई तक खुला रहेगा। बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई स्कूल निर्धारित समय सीमा के भीतर मॉड्यूलेशन पूरा करने में विफल रहा तो उसका परिणाम 31 जुलाई के बाद अलग से घोषित किया जाएगा। यानी कि बोर्ड को उम्मीद है कि 31 जुलाई तक परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है दुर्ग से है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती होनी है। आए आवेदन के आधार पर पात्रों की सूची हेल्थ विभाग के वेबसाइट पर अपलोड की गई है। भर्ती के लिए मेरिट सूची के आधार पर कौशल परीक्षा होगी। इसके लिए 19 जुलाई की तारीख तय की गई है। IBP 6-5 बिल्डिंग दुर्ग में सुबह 10 बजे से कौशल परीक्षा होगी। तो चलिए उसके बाद जो है अगली खबर जो है वह भिलाई से। तो
एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग ने सभी उभरती प्रौद्योगिकी जैसे कि सीएनसी मशीनें, स्वचालन, हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, ऑटोमेशन और उनका रखरखाव पर प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। और इसके लिए 8वीं पास से लेकर इंजीनियरिंग स्नातक तक कोई भी प्रशिक्षण पा सकता है। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का पहला एडवांस टूल रूम है जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार ने 112 करोड़ रुपए की लागत से बुरई इंडस्ट्रियल एरिया में रसमड़ा में स्थापित किया गया है। यह केंद्र विगत वर्ष से डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग और डिप्लोमा इन मेट्रॉनिक्स शुरू किया है। यह कोर्स राज्य में पहली बार शुरू हुए हैं। इससे पहले इन कोर्सों को पढ़ने के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता था। तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। तो छत्तीसगढ़ में अभी स्टार्ट हो चुका है, बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद जो अगली खबर जो है वह बालोद से है। तो सुल्तान मल संजना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत बापना परिवार की ओर से जिले के ग्राम उमरादहा में श्री पार्श्वनाथ दिव्यांग विद्या मंदिर एवं मूक बधिरों का स्कूल जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका भूमि पूजन का कार्यक्रम 17 जुलाई को शाम 4 बजे रखा गया है। तो और नेक और पुण्य कार्य में शामिल होकर लोगों से सहभागिता देने की अपील की गई है। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है दंतेवाड़ा से है। तो दंतेवाड़ा में एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज जावंगा के छात्रों के बाद अब कॉलेज व स्टाफ को राष्ट्रीय ग्रीन पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार ग्रीन केयर सोसाइटी के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम नैरोबी केन्या के स्वीकृति पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तेलंगाना व ग्लोबल इको फाउंडेशन पटना बिहार के सहयोग से संस्था व व्यक्तिगत विभाग में नेशनल ग्रीन अवार्ड 2020-21 वर्चुअल प्रदान किया गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये दंतेवाड़ा में एनएमडीसी डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। उसके बाद जो अगली खबर जो है वह बीजापुर से है। तो बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक में बुधवार को 5 गांव के आदिवासी छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर तहसीलदार जुगल किशोर पटेल को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और स्कूल कॉलेज खोलने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्रों को मिलने वाली वार्षिक छात्रवृत्ति 6,000 रुपये देने, स्कूलों का निजीकरण न करने, बस्तर में रिक्त पदों पर स्थानीय बेरोजगार युवाओं की भर्ती करने, 12वीं पास बेरोजगार युवाओं का निर्माण एजेंसी में पंजीयन कराने, आउटसोर्सिंग बंद कराने की मांग को लेकर यह ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को। तो उसके बाद जो अगली खबर जो है वो है आमाबान बस्तर ब्लॉक के हायर सेकेंडरी स्कूल मुंडा गांव की बालिकाओं को सांसद दीपक बैज व छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने साइकिल बांटी है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद जो है जगदलपुर से खबर आ रही है कि जिले के पोड़ा गुड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को मोहल्ला क्लास में पढ़ाने वाली एक महिला शिक्षिका कोरोना पॉजिटिव हो गई। शिक्षिका कोरोना टेस्ट कराने से पहले लगातार स्कूल के बच्चों को मोहल्ले में पढ़ा रही थी और ऐसे में उनके पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और आनन फानन में सभी बच्चों का कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। और उसके बाद जो अगली खबर जो है वो बिलासपुर से है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड कॉलेज रायपुर के प्राचार्य जे एक्का ने छात्राओं को प्रवेश तो दिया पर परीक्षा से वंचित कर दिया। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पूनम दीवान, सपना राही, सविता वर्मा व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर बताया कि शासन ने विभागीय बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाया था, इसके आधार पर उनका चयन हुआ। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो रायपुर से है। तो रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट को स्टार्टअप शुरू करने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहन करेगी बल्कि उन्हें आर्थिक मदद भी देगी। इसे लेकर यूनिवर्सिटी के अफसरों का कहना है कि यूनिवर्सिटी से पास हो चुके ग्रेजुएट स्टूडेंट के अलावा सेकंड ईयर के स्टूडेंट को भी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उसके बाद जो अगली खबर जो है वो भी रायपुर से ही है, तो यही ये भी जो खबर है वो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संचालित पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस बार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 19 जुलाई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। पीएचडी में प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भी 19 जुलाई तक भरे जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा अंतिम जो खबर है वो है 22वें नंबर का खबर, जो कि है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को लेकर है। तो वहाँ पर प्रवेश के लिए जिन अभिभावकों ने बच्चों का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है उन्हें आज 17 जुलाई का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद प्रवेश संभव नहीं होगा। रिक्त सीटों पर 30 जुलाई तक प्रवेश दिया जाएगा। दस्तावेज में पूर्व कक्षा की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आमदनी प्रमाण पत्र, पासबुक की फोटोकॉपी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल कापी जमा करनी होगी। आज है लास्ट डेट। तो ये तमाम खबरें आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये खबरें कैसी लगती है। और जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।